हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर। और आज मैं आपके सामने आई हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि हमने पीछे टीचिंग मेथड्स जब किए थे तो बेसिकली वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि भाई टू टीचिंग मेथड्स, आपके स्टूडेंट सेंटर्ड और आपके टीचर सेंटर्ड। वहाँ पे हमने ब्रीफली सबको एक्सप्लेन किया था, बट कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली उनमें कौन से हैं, स्टूडेंट बेस्ड या स्टूडेंट या प्यूपल सेंटर्ड मेथड। तो कुछ जो हमारे बच्चों के ऊपर आधारित हैं, दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि टीचर का रोल भी और बच्चे का रोल भी। तो वही अभी फ़िलहाल के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या फिलहाल का जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए हम कौन सी एजुकेशन को, टीचिंग प्रोसेस को प्रेफर करते हैं, वो होती हैं स्टूडेंट सेंटर्ड। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनको डिस्कस करना डिटेल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। तो आज हम करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड के जो भी फाउंडर थे वो कौन थे, H.E. आपके आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने क्या माना था, ह्यूरिस्टिक होता है एक तरीके से खोज करना, फाइंड आउट करना। तो बेसिकली यहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चों को खुद ही छोड़ देता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सेलेक्ट करो, खुद ही डिसाइड करो और खुद ही उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करो। मतलब एक्सपेरिमेंटल एक माहौल बना देता है कि बच्चे खुद से करके सीखेंगे। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो लर्न खुद करेगा, टीचर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एज अ गाइडेंस या एज अ काउंसलर, गाइडेंस वर्कर के रूप में यहाँ पे परामर्श दाता के रूप में काम करता है, एक मित्र के रूप में सिर्फ रास्ता दिखाता है, आपको गाइड करता है। तो बच्चा खुद से लर्न करेगा और खुद से ही एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद ही करके देखेगा, गलत हो चाहे सही हो, एक्यूरेशन अपने आप आएगी। तो उसके बाद इन्वेंट करेगा, खोज भी खुद ही करनी है उसको, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट को क्या देखा जाता है, एक रिसर्चर के रूप में। रिसर्चर क्या होता है, जो अपने आप ही सब कुछ फाइंड आउट करे, मतलब कि चीज़ों को मैनिपुलेट कर करके आपका रिजल्ट्स की तरफ बढ़े, एक प्रोसेस होता है। तो आप किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, किसी तरह का भी ज्ञान हासिल करने के लिए आपका बच्चा जो है उसको खुद ही रिसर्चर बना दिया जाता है टीचर के द्वारा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ह्यूरिस्टिक मेथड की वो क्या होती है कि ये एक सिस्टेमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, बच्चों को ट्रेन करता है, ताकि जो फ्यूचर लाइफ के लिए उसको यहाँ से ही वो तैयार करना शुरू कर देता है। अभी वो जितना खुद से ही एक्सपेरिमेंट कर करके सीखेगा तो उसका जो एक्सपोजर है लाइफ के रिगार्डिंग वो बढ़ेगा, और आगे जो भावी जीवन है फ्यूचर का उसके बारे में भी उसको बहुत सी समझ मिलेगी। तो यहाँ पे नॉलेज को हम सेकेंडरी मानते हैं, प्रायोरिटी किसकी होती है, प्रायोरिटी होती है हमारी एक्सपेरिमेंट की, यहाँ पे खुद से ट्रेनिंग लेने की, यानी कि यहाँ पे इन्वेंट करने की चीज़ों को या आपका एक्सप्लोर करने की। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, टीचर तो उसको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करता है कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से फाइंड आउट करो, उसकी तह तक पहुँचने के लिए, उसके रिजल्ट्स तक पहुँचने के लिए, सच्चाई तक पहुँचने के लिए, कि उसका क्या समाधान निकल सकता है, कि वहाँ उससे जो भी संबंधित आपके जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी सच्चाइयाँ हैं, वो आप खुद ही उसका जो उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग आप उसकी जितने भी इन्फॉर्मेशंस है खुद ही कलेक्ट करोगे, उनको गैदर खुद ही करोगे। तो फ्यूचर के बारे में भी एक ट्रेनिंग मिलती है आपको कि भाई आपको चीज़ों की गलत सही की पहचान होती है, क्योंकि आपको खुद ही करना है सब कुछ। तो यहाँ पे बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप किया जाता है, साइंस में तो वो वैसे ही घुस गया ना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल माइंड हो गया उसका। तो बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग ये मानते थे कि उन्होंने खुद से स्टडी किया, उन्होंने कहा था कि भाई मैंने जो बहुत सालों का मेरा जो भी मतलब एक्सपीरियंस है वो ऐसे ही नहीं आया है, मैंने वो अपना टेस्टिंग के थ्रू आया है, मेरा ऑब्जर्व करके सिचुएशंस को, और वो मेरा मतलब कि राइट ऑब्जर्वेशन था सिचुएशंस को लेके। तो मैं ये मानता हूँ, मेरा दृढ़ निश्चय है ये कि भाई विज्ञान की अगर शिक्षा शुरू करनी है तो
रिसर्चर से ही शुरू होनी चाहिए। अगर आप साइंस की एजुकेशन बच्चों को देना चाहते हो तो वहाँ पे रिसर्चर मस्ट है, आपके लिए रिसर्चर बनना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रश्न को अगर कोई सही ढंग से स्टडी करता है, जैसे मैंने किया था, वो कहता है कि जैसे मैंने किया था, अगर कोई इस प्रश्न को कि विज्ञान की शिक्षा शुरू करने के लिए रिसर्चर बनना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको कोई सही से अगर इसको स्टडी करता है तो उसको पता चलेगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने में, उनको रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है। उनका नेचर ही ऐसा होता है कि भाई वो उनका दिमाग नई नई चीज़ों की तरफ ऑटोमेटिकली अपने आप ही चलता रहता है। उसके बाद है जो प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है कि यहाँ पे टीचर बच्चों को एक प्रिंटेड पेपर देता है जिस पर इंस्ट्रक्शंस, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, दिशा निर्देश। तो वो क्या होता है, इसके बाद बच्चा क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम, उसको जो भी करना है, जो भी कंसेप्ट समझना है या कोई उसको प्रैक्टिकल वर्क करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम की पहचान करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसका डिटर्मिनेशन करेगा कि भाई प्रॉब्लम है क्या, निर्धारण करेगा, तो एक स्टेटमेंट बनाएगा अपनी कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। उसके बाद वो जो दिशा निर्देश हैं जो भी टीचर ने उसको दिए हैं, उन सबको फॉलो करते हुए, उनको पढ़ते हुए एक्सपेरिमेंट करेगा। जो भी उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको रिकॉर्ड करेगा बेसिकली, और जो उसकी ऑब्जर्वेशन बुकलेट है, जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी उसकी आंसर शीट है जो उसने बुकलेट बनाई है, उसमें वो अपने रिजल्ट्स को राइट डाउन कर लेता है जो जो उसको मिले हैं। उसके बाद उन रिजल्ट्स को वो डिस्कशन भी कर सकता है, जनरलाइजेशन भी कर सकता है, या उनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है यानी कि बिहेवियरल लाइफ में कितनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, वो जो रिजल्ट उसको मिले हैं कितना रेलिवेंट है प्रॉब्लम के रिगार्डिंग है, वो सारे। तो यहाँ पे एक बात कहने की है कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो आपकी रिसर्चर माइंड को डेवलप करता है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड बनाता है आपका, कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है। कारण भी आप खुद ढूंढोगे, प्रभाव यानी कि उसका रिजल्ट्स की तरफ भी आप खुद ही जाओगे। तो कुछ हमारी इसकी मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। इस मेथड में क्या होता है, एक्टिविटी एज यू नो कि एक्सपेरिमेंट करना बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद साइंटिफिक एटीट्यूड आपका बनाता है क्योंकि कॉज इफेक्ट की बात करता है, रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव है, या वो है प्रैक्टिकलिटी है, रेप्लिकेशन है, मतलब बार बार जितना एक्सपेरिमेंट करोगे वही के वही रिजल्ट्स आपके आएंगे। फिर है बच्चों को हार्ड वर्क करना सिखाता है, क्योंकि यहाँ पे पका पकाया कुछ नहीं मिलता है कि भाई जैसे टीचर ने आपको पढ़ा दिया और आपने उन चीज़ों को एज इट मेमोराइज कर लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, यहाँ पे तो आपको खुद से एफर्ट करने हैं, खुद से सीखना है, खुद से पढ़ना है। तो आपकी हैबिट बन जाएगी हार्ड वर्क करने की, चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की, नए नए इन्वेंशन करने की। साइंटिफिक सिस्टम यानी कि आपका एक साइंस के रिगार्डिंग आपका माइंड जो है वो क्रिएट करता है, साइंस के रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग है आपको वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि सारा का सारा ही तो इसमें साइंस हमने सारा कवर कर लिया कि भाई जितना एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, जहाँ जहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड की बात होती है वो सारा इसमें आता है। तो नॉलेज एक्वायर बच्चे किसके थ्रू करते हैं, आपका रिसर्च के थ्रू करते हैं, यहाँ पे खुद से ही उनको रिसर्च करनी होती है। तो बच्चे जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं यानी कि खुद पे ही आश्रित, अब उनको दूसरों के इंडिपेंडेंट यहाँ पे जो हैं बच्चे बन जाते हैं, वो दूसरों के ऊपर उनको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो खुद से करने लग गए हैं। तो यहाँ पे जो दोनों के रिलेशनशिप हैं, टीचर के और स्टूडेंट के, दोनों में बहुत ही सुधार भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दूर नहीं होता है टीचर, टीचर एज अ गाइडेंस वर्कर या एज अ गाइड उनके साथ ही होता है। जहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है दिशा निर्देश में या कुछ और भी कहीं से कुछ पूछना है, तो वो वहाँ पे उनको बिल्कुल टाइमली फीडबैक देता है, वो उनके साथ ही रहता है। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चों को खुद से फाइंड आउट करना है, वो तो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है उनको। फिर है कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ कमियाँ हैं इस मेथड की। कमियाँ तो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि ये इतना आपका हायर प्रोसेस है, इतना हाई आपका मतलब कि हाई लेवल का मेथड है ये, कि छोटे बच्चों पे और बेसिकली आपका जो आपके सेकेंडरी या कॉलेज लेवल के बच्चों की भी बात की जाए, यूजी लेवल के, वो इसको नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि उनको उनका मतलब उनको हैबिट भी है कि बना बनाया खाने की,
और दूसरा है कि भाई उनको एज इट जैसे ही कंसेप्ट टीचर समझा देते हैं वो उनको एज इट मेमोराइज कर लेते हैं। दूसरा है, पहला है स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग है, यानी कि यहाँ पे आपका शुरू से लेके प्रॉब्लम्स को ही आइडेंटिफाई करने में क्या पता कितना टाइम लग जाए। उसके बाद क्या, उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करते हो, फिर आप क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद आप जो भी है उसको एनालाइज करने के लिए स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हो, जो रिजल्ट्स आते हैं उनको इंटरप्रेट करते हो, उसके बाद डिस्कशन निकालते हो, फिर जनरलाइजेशन करते हो। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही आपका लंबा है और बहुत ही स्लो है, तो बहुत ही टाइम यहाँ पे लग जाता है। दूसरा है आपका रिसर्च मेथड्स पर यहाँ पे बल दिया जाता है, क्योंकि ये है ही रिसर्च सारी की सारी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिसर्च मेथड्स का टीचर यूज़ करना आपको सिखाता है। तो ये भी इसकी एक कमी है, क्योंकि छोटे बच्चे या फिर कॉलेज लेवल के बच्चे इतना, मतलब उनका माइंड डेवलपमेंट इतना नहीं होता है कि वो जो आपके हायर लेवल की जो रिसर्च मेथडोलॉजी है वो यूज़ कर पाएँ। एक्सपेरिमेंटल वर्क पर ही फोकस किया जाता है मेनली यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। छोटी कक्षाओं में तो हम इसका यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड का डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव एबिलिटीज इतनी डेवलप नहीं होती है। टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जिनको रिसर्च वर्क की नॉलेज नहीं होती है, तो वो बच्चों को क्या गाइड करेंगे और बच्चे क्या सीखेंगे जब उनको खुद से ही नीड है ट्रेनिंग की। तो प्रॉब्लम डिटर्मिनेशन में भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है। फिर उसके बाद है एक्सपेंसिव मेथड है, तो आपका जब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या नहीं आपकी कॉस्ट आती, शुरू से लेके एंड तक आपका इतना खर्चा हो जाता है कि भाई आप एक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए बेसिकली, और आप इतना एक्सपेंसिव मेथड आप अडॉप्ट नहीं कर पाते हो। तो वैसे आपका ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत ही आपका यूज़फुल है टीचिंग में, लेकिन क्या है कि बच्चों को ये हायर लेवल के जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उसका यूज़ बच्चे अभी नहीं करना सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर को खुद से ही बस ठीक है उनको प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना सिखाना चाहिए और टाइमली उनको असिस्ट करना चाहिए जहाँ पे भी उनको ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास ख़त्म होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।